गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इक्यूबेटर है और आप लोगों को पता होगा मैंने इसमें नीचे 52 एग्स डाले थे और वो भी मैंने डाला था 22/3 को रात के 1:30 बजे। तो 22 तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, 23 से पकड़ते हैं। तो 23 से आज हो रहे हैं 20 डेज, और आज से कल तक में, मतलब कल के बाद से हैचिंग शुरू हो जाना, मतलब एक सेल से बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाना चाहिए था। तो अभी आज 20वें दिन का मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अभी एक बच्चे जो है वो फोर के बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, एक आ चुका है और एक दो अंडे में क्रैक्स भी आ गए हैं। ये देख सकते हैं, ये अंडे में क्रैक्स आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी क्या है ना कि हम लोगों ने ह्यूमिडिटी लेवल पहले 60-65% रखा था, तो अभी मैंने ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा दिया है ताकि अगर बच्चे जो बाहर आए, ह्यूमिडिटी होने से होता है एक्चुअली क्या कि जो हमारा नीचे में मिस्ट पंप है उसमें वेपोराइज होता है, भाप बनता है, और वो भाप जो है वो नीचे फैन लगा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे हमारा मिस्ट पंप है और वो हीटर है, ये हीटर है, ये लंबी रॉड जो है, और ये मिस्ट पंप है, उसके नीचे हम लोगों ने फैन लगा के रखा है ताकि ये जो भी निकले वो सीधा ऊपर जाए। तो ये देखिए, जैसे एक बच्चे बाहर आ चुके हैं और ये एक बिल कूद चुका है, यहाँ पे भी एक कान में क्रैक आ चुका है। तो वैसी है, देखता हूँ शाम तक कितने टूटते हैं और रिजल्ट कैसा होता है, तो मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा। और इस बार तो इसमें कुछ अंडे मैंने पुराने भी डाले थे, तो वैसा होता है कि कभी 18 रोज में 20 रोज में एक आ जाता है, क्योंकि अंडे एक दो रोज पुराने होने से भी आपके बच्चे चले आते हैं। फर्टाइल एग में यही एक है कि अगर एक सही है तो आपका वो बच्चे एक आध रोज पहले भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें डर है कि ये बच्चे बाहर आ जाएंगे, तो मैं पहले इसमें ऐसे जाल लगा दूंगा ताकि इस टाइप से, ताकि बच्चे बाहर ना निकलें और बाहर गिरे ना, क्योंकि अगर बाहर गिरेंगे तो वो पानी में जाएंगे। पिछली बार एक दो पीस मॉर्टिलिटी उसी वजह से हुआ कि बच्चे जब हीटअप पूरा हो जाते हैं तो फिर उनके बॉडी में स्ट्रेंथ आने के बाद से वो इधर उधर भागना शुरू करते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं और फिर इस मिस्ट पंप में पानी है उसमें चले जाते हैं, तो मॉर्टिलिटी हो जाती है। इसलिए मैं इसमें जाल लगा दूंगा ताकि बच्चा बाहर ना निकल पाए। तो ठीक है दोस्तों, यही है, मैं अब इसके बाद जैसा रिजल्ट होता है मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट कैसा है हम लोगों का। ठीक है फिर, ओके, गुड डे।